तो ये रोज अपना खेलें, कालिंदी के तट पर मनमाना खेल खेलें, और सारे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे शिशु, वे सब के सब निर्भय, कन्हैया खींच जाएगा ये जरा भी परवाह नहीं, खींच जा और हर तरह के ये खेल खेलें, मार भी दें, कभी कभी मार दें, पर इतना ये एक ख्याल उनके रहता निरंतर कि कन्हैया को कहीं पर दुख न हो जाए। प्रेम की यही खास बात है, स्वाभाविक प्रेमी ये देखता नहीं, पद पद पर पैर वो फूंक कर नहीं धरता, उसका स्वभाव बन जाता है अपने प्रियतम का सुख, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, साधना नहीं करनी पड़ती, स्वभाव से ही उसकी सारी क्रियाएं सारी चेष्टाएं अपने आप उसके अनुकूल होती। भाई आज तो इस पर खींचने से राजी होगा तो खींच जाते, तो राज्य होगा इसलिए खींच जाते, ये उनको ख्याल नहीं है, स्वाभाविक ही वो प्रेम की इस प्रकार की स्फुरना होती है मन में कि अपने आप उसके अनुकूल क्रिया करवा देती है। तो दाऊ जी रोज लड़ते लड़ पड़ते आपस में, बड़े छोटे भाई भी, दाऊ जी ख्याल तो बहुत रखते, आज के बाद दूसरी आज तो ये बीच की बात कहते हैं कि ये गए, लेकिन इनके कभी कभी बड़े आपस में लड़ पड़ते। एक दिन की बात, सो ये रूठ गए, दाऊ ने हंसी हंसी में कह दिया, बोले कन्हैया अरे तू तो मोल का लाया है, जाया थोड़ा ही है, तो ये खींच गए। बोले ये भैया ने मुझे मोल का लाया कह दिया, बड़े नाराज और खेल छोड़ गए। अरे बोले भैया ठहर ठहर खेले खेले फिर नहीं कहेंगे, बोले नहीं नहीं अभी माँ से जाके कहना है। दौड़े हुए आए, सूरदास जी ने देखा, आ करके रोने लगे, बेटा क्यों रोता, हाथ फेरने लगी मैया मुंह पर, वात्सल्य भाव उमड़ा, मैया के भी आंखों में आंसू आ गए, गोद बले कलेवा कर ले, माखन बोले नहीं माखन माखन नहीं खाना है, खींचे हुए। क्या हुआ तब, थोड़ी देर रोने के बाद जब मैया ने हाथ वाथ फेरा तब थोड़ी सांत्वना मिली, धीरज आया, तब बोल सके, बोले मैया देख ये दाऊ बड़ा बदमाश, बोले क्या किया, बोले इसने मुझको बड़ा चिढ़ाया, बड़ा खिजाए दिया, मैया मुझ दाऊ बहुत खिजाए, मोसो कहत मूल को लीनो तू जसमुति कब जायो, मैया मुझसे कहा कि तू तो मोल का लाया हुआ है, यशोदा ने तुझको कब जाया, तो मैया मेरे इतना गुस्सा आया कि इन लोगों के साथ कभी खेलू ही नहीं, कहा करो इन रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, वो है तेरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम लगात, चुटकी दे दे मोहि नचावत हसत सब है मुस्कात। बोले मैया मुझसे कहते हैं सब के सब, दाऊ के पीछे सब हो लिए सारे के सारे, और वो सब दाऊ का पक्ष लेने लगे, कहने लगे बार बार कहते कि कौन तेरी माँ है, कौन तेरा बाप है, अरे हमारे नंद बाबा गोरे हैं यशोदा गोरी है, तू काला काला कहाँ से आ गया, तो तू उनका जाया हुआ नहीं, यूं बोले ताली पीट पीट करके चुटकी बजा बजा के मुझको हंसाते हैं, वह खुद हंसते हैं चढ़ाते हैं मुझको, और मैं जलता रहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैया, और मैया फिर तू भी ऐसी हो गई है, जब कभी शिकायत करता हूँ तो तू मुझको ही डांटती है, मुझको ही लाठी दिखाती है, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबू ही खी जाए, मोहन मुख रिस की ये बातें जस मत सुनी सुनी रीजे, मैया तू भी मुझे मारना सीख गई, दाऊ पर तो कभी खींचती नहीं। अब इनके मन में दाऊ में और उसमें कोई भेद तो है नहीं, दाऊ रोहिणी का बेटा है, व्यवहार में कैसे खींचे ये सब बात नहीं, वो तो एक से है, तू मुझ पर खींचती है, दाऊ पर नहीं खींचती। इस प्रकार से श्याम सुंदर के मुंह से मीठी मीठी बातें सुनकर मैया रीत जाती है, ये मैया बोली हन गई तो लीला है, लीला क्या है। तो मैया बोले नहीं बेटा नहीं, मैं बोले नहीं कैसे, तू तो कहती है नहीं नहीं और वो मानता नहीं, वो कहता है। तो बोले देख बेटा, मैं गायों की सौगंध खा के कहती कि तू मेरा बेटा, तू मेरा जाया, तू मेरा बेटा, मैं तेरी मैया, तू मेरा बेटा, सुनो कान बलभद्र चबाई, जन्म ही को धूत, वो तो जन्म से ही ऐसा ही है, कोई नया थोड़ी है, और सूर श्याम मुई गोधन की सो हूँ माता तू पूत, बेटा
गोधन की सौगंध खाके कहती हूँ कि मैं तेरी मैया हूँ, तू मेरा बेटा है, प्रसन्न हो। वे मैया तब तो ठीक, अब देखो मैं उनको डांटूंगा कि हे मेरी मैया कहती है मेरा बेटा, तुम तुम्हारी बात कौन सुनेगा, मैया कहती है। फिर गए, फिर एक दिन घटना हो गई, तो भागे, डर गए, थर्राते हुए कांपते हुए और डर गए। और आज जसोदा के पास नहीं आके पहुंचे रोहिणी मैया के पास सीधे। दाऊ की शिकायत, बोली ये मैया तो खींचती नहीं, ये मैया तो उस पर खींचती नहीं, ये तो ऐसी ही है। और रोहिणी मैया से कहना है वो ठीक करेगी। तो कांपते हुए डरते हुए से आए और रोते हुए रोहिणी मैया के गोद में, रोहिणी ने कहा बेटा क्या हो गया, अरे क्या हो गया बता दो सही। तो रोए और कांपे, अरे बोले क्या हो गया। तब थोड़ा धीरे धीरे जब बंधाया, गोद में रखा, बोले इशारा करे, बोले दाऊ बड़ा बदमाश है। तो मैया ने कहा आ जाने दे, उसको डांटूंगी खूब, तू बता दो सही क्या बात है। तब बोले देख रही रोहिणी मैया कैसे हैं बल दाऊ भैया, जमुना के तीर मुहि झुझुआ बतायो, सुबल श्री रामा साथ हंसत बूझत बात, आप डर पे और मुहि डर पायो, जह जह बोले मोर, चिते रहते ताही और भाजोरे भाजोरे भैया, वे देखो आयो। और आप गए तरु चढ़ी, मुहि छोड़ो वाही तर, धर धर छाती करे दोर्यो घर आयो। बोले मैया ये भैया ने मुझको डरा दिया। दाऊ भैया ने कहा देव जमुना के तीर पर झुझुआ आ गया। और बोले श्री दामा और सुदामा और सुबल ये सब हंस हंस करके क्या कौन आ गया कौन आ गया, बोले वो झुझुआ आ गया। तो बोले ये खुद भी डरने से लगे और मैं तो एकदम डर गया। और मैया जहां जहां मोर बोले उधर उधर देखते रहे, बोले देखो भागो भागो भागो, वो आया वो आया वो आया। और भाग करके आप तो गाछ पर चढ़ जाए खुदक से और मुझको नीचे रख दे, मैं रह गया अकेला नीचे, मुझे बड़ा डर लगा। सुमैया भाग करके आया, ये दाऊ देखो कितना बदमाश है। रोहिणी मैया ने हृदय से लगा लिया, बोले नहीं बेटा वो तो तेरे से हंसी करता है, तेरा भैया है ना, वो तेरे से हंसी करता है, तू कोई तरह से डर मत। वो तो बोले मैया डराता है, बोले इसीलिए तो डराता है कि तू डर जाता है तो उनको हंसी आती है, मौज होती है, तो मौज करता है। बोले नहीं मैया तू तो बोले अच्छा तू डर गया तो सचमुच हाथ लगाया तो छाती झटक गई। तब ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, नील मणि हृदय से लगा लिया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्थन कराया, स्वस्थ भजन कराया, गोदान करवाया। बोले अब तेरा सारा डर मिट गया, देखो ना तेरे हाथ से गोदान हो गया। और ब्राह्मणों ने शांति पाठ कर दिया। अब हृदय से लगा लिया तो उचंग सो लिए लगाए, कंठ सो रहे लपटाए, वारी रे वारी मेरो हियो भरे आयो, परमानंद रानी बिज बुलाए, वेद मंत्र बढ़ाए, बछिया को पूछ गई हाथ ही दिवायो। इस प्रकार ये रोज का होता। पर आज जो है सरित तीर पर आज झगड़ा नहीं, आज दोनों भैया मजे में खेल रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन, यहाँ तो झगड़ा भी प्रेम का ही और समर्थन भी प्रेम का ही, तो आज दोनों खेल रहे हैं। अब ये खेल में इतने मग्न हो गए कि खाना पीना ही भूल गए। अब मैया ने सोचा कि आज जन्म नक्षत्र है, इसका जन्म दिन है और आज ब्राह्मण आएंगे और सब भोजन वोजन करने आएंगे, महामहोत्सव है, रोज उत्सव रहता है उनके यहाँ जब से ये हुए, तो आज तो सब लोगों को सारे ब्रज के लोग भोजन करने आएंगे और बड़ी धूमधाम रहेगी। तो पहले कुछ खा पी लेते, मध्यान्ह होने उनको आया और ये तो आते ही नहीं, घर लौटने का भी कि किनको याद है। आज क्या हुआ कि ये जिस दिन हारते हैं उस दिन तो भाग जाते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उस दिन ये विजय गर्भ में रहते हैं, तो कहते और खेलो एक बार ये और एक बार ये और खेलेंगे, और हारते हैं तब तो कहीं भाग जाते हैं। वो रुंगस खाना कहते हैं ना, झूठ बोल के भाग जाते हैं, बोले नहीं हारे नहीं हारे हम तो, आज इनकी विजय हो, ये हारे नहीं। बहुत देर हो गई तो मैया ने कहा आए नहीं क्या करें। तो मैया बोली कि मैया ने रोहिणी जी को बुला, फिर रोहिणी जी को बुला करके बोली कि देख बहन तो घर में काम काज बहुत है और आज सब ये आने जाने वाले घर में लगे हुए हैं, तो मैं तो लगती हूँ घर के काम में,
संभाल लूंगी मैं, और तुम जाओ, तुम जाओ। वो खेल रहे हैं दोनों भैया, तो वो खेलने में उनको तो याद कुछ रहता नहीं, खाना पीना सब भूल जाते हैं, तो तुम जा करके उनको बुला के आओ। और मुझे डर भी लग रहा है ना, जिस दिन से पेट टूटे, अब कहीं रास्ते उस दिन फिर पेट टूट जाए। ये दोनों बालक जो हैं ये बड़े उच्छृंखल हैं, ढीठ बालक हैं, ये मानते मानते हैं नहीं, न मालूम कहीं जा करके ये उत्पात में रम जाए, तो तुम जाओ। तो मैया रोहिणी बात सुन करके गई, तो रोहिणी गई, रोहिणी जाकर के पुकारा, नूपे या तुम यदा हूं तो क्रीड़ा संज्ञन पुत्र गऊ, पुकारा, अरे बेटा आओ आओ, देखो तो मैया बुला रही है। पर कौन सुने रोहिणी मैया की बात, कौन सुने, सुनी सुनाई नहीं इन्होंने रोहिणी मैया की बात। खेल में लगे रहे जो के क्यों, यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्सवत्सलाम क्रीडंतम सासुतम बाली रतिवेलम सागरजम यशोदा जोहवीद कृष्णम पुत्र स्नेहसनी कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात ही स्तनम पिब अलम विहारे क्षुतक्षांत क्रीड़ा श्रांतो से पुत्र ही रामा गच्छताशु सानुज कुल नंदन प्रातरेव कृतारा सद्भवान भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वाम दाशार्ह भूक्षमाणो ब्रजाधिप एजा वयो प्रियं धेहि स्वगृहान् व्यात बालकाः धूल भूषणितांगस्त्वं पुत्रं मज्जनमाव जन्मक्षुद मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाशुचिः पश्य पश्य वयस्यास्ते मात्रि मृष्टान् स्वलंकृतान् तुम चनातकृतहारो भीरस्व स्वलंकृतः। रोहिणी मैया को भेजा तो रोहिणी मैया की बात उन्होंने सुनी सुनाई नहीं। रोहिणी ने बहुत पुकारा, बहुत कहा तुम आ जाओ आ जाओ, पर रोहिणी के बाद वहां इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है कि उनके कान तक ही नहीं गई। वो सब बच्चे मार शोर मचा रहे खेल में, तो रोहिणी मैया की बात के शब्द उसके कान तक ही उनके नहीं पहुंचे। बिचारी लौट आई, आ करके बोली कि बहन यशोदा, वो तो मेरे मान के तो दोनों अब रहे थे, घर का काम मैं कर लूंगी और तुम जाओ, और तुम जा करके तुम लाओ वो, तुम्हारी बात दोनों मानते, मेरी तो मानते मानते नहीं। तो यशोदा मैया ने सोचा कि अब तो उनको खिलाना ही है ना, नहीं तो ठीक नहीं। तो ये जैसे भगवान प्रेमाधीन, ऐसे ही इनका हृदय स्नेह वशीभूत, मने यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण स्नेह के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उनकी सारी क्रिया सारी चेष्टा श्री कृष्ण स्नेह से प्रेरित ही होती है। हम लोगों के विषयी लोगों के और प्रेमियों के कार्य में यही अंतर है। प्रेमियों के सारे कार्य होते हैं भगवत प्रेम के द्वारा प्रेरित और भगवत प्रेम के लिए ही। हम लोगों के कार्य होते हैं भोग वासना से प्रेरित और भोग प्राप्ति के लिए। खाते पीते हम भी हैं, वो भी हैं, काम वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, पर उनके और हमारे काम में ये मौलिक अंतर है कि हम विषयी लोग भोग वासना से प्रेरित होकर के काम में लगते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है भोग मिलना। भोग प्राप्ति नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, दूसरे पर खींचते हैं, गुस्सा निकालते हैं, न मालूम क्या क्या करते हैं, सारा जीवन चिंता में और भटकने में बीतता है, और भोग वासना को लेकर के नए नए पापों में प्रवृत्त होते हैं। और जहाँ भगवत प्रेम से प्रेरित चेष्टा होती है, वहाँ जो नए नए काम होते हैं वे सारे के सारे प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यशोदा मैया जो है ये मानो वात्सल्य प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। वात्सल्य प्रेम घन होकर वो जो तरल पदार्थ था सरल, वो प्रेम द्रव, वो घन होकर के यशोदा बन गया। यशोदा क्या चीज है? भगवान का वात्सल्य स्नेह मूर्तिमान। वात्सल्य स्नेह जो था वही मूर्त रूप में अवतीर्ण हो गया यशोदा बनकर। तो अब वे उनका जो आज जन्म नक्षत्र के दिन लोगों को बुलाना है, ब्राह्मणों की पूजा करना है, हवन करवाना है, ये सारे के सारे काम उनके श्री कृष्ण स्नेह से प्रेरित हैं, दूसरा कोई उसमें भाव नहीं और कोई प्रेरणा नहीं। तो ये कर रही थी रसोई,
और सब चीजों सब व्यवस्था कर रही थी। रोहिणी ने जब कहा करके कि वो तो नहीं आते दोनों, हमने बहुत पुकारा, पास तो मैं जाने ही नहीं पाई, इतने वो बच्चे सब घेरे हुए हो करें सब। तो बहन मैं तो आ गई, अब तू जा। तो ये रोहिणी जी की बात सुनकर काम करती उसी समय उठी और दौड़ी, वो बहुत जोर से गई यमुना के तट पर। जाकर के देखा दूर से तो कीड़ों मत हो रहे हैं। अब देवता लोग क्या सोचते होंगे, इनकी ये बालपन की क्रीड़ा देख करके, खेल देख करके, देवता लोग जो केवल तत्व स्वरूप का ही दर्शन करना चाहते हैं और तत्व स्वरूप को ही जानते हैं, वे लोग, उनके तो समझ में नहीं आती होगी बात ये कि ये क्या हो रहा है ये बच्चों के साथ, और किस प्रकार से ये बेधड़क, कोई शर्म वरम नहीं लगती कि इतने बड़े आदमी होकर के, इतने बड़े और ये इतने छोटे बने हुए हैं। मैया ने देखा वो उन्मत्त है, पागल हो रहा है राम और श्याम ये दोनों के दोनों। तो अरे कन्हैया, अरे दाऊ, अब कौन सुनता। तो बड़े जोर से चिल्लाई मैया जरा ऊंचे पर खड़े होकर के, अरे कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया अरे दाऊ। अब मैया ने नहीं सुना, तो मैया ने अब असली बात कही जिसके लिए लालायित रहते हैं सदैव श्याम सुंदर, और समझा रही थी मैया जिसके लिए अब तक कि छोड़ दे, अब नहीं, अब तेरी उम्र बड़ी हो गई। मैया ने सोचा कि अभी यही एक लालच की चीज है। तो मैया ने पुकारा जोर से, अरे बहुत देर होगी तने स्तनपान नहीं किया, तो जल्दी दौड़ देख, मैं यही आ गई, तू तो खेलने में मतवाला हो रहा है, अरे भैया आओ ना। तो जब मैया की ये आवाज कान में गई कि स्तनपान कर ले आकर जल्दी से, तो मन चला। बच्चों ने कहा एक बाजी और खेल लो, अब जरा बच्चे जीत रहे थे तो इससे भी कुछ मन इनका हट रहा था। जब बच्चे जीतने लगे तो बोले अब तो हारे कौन, हारते तो वही सदा ही हारे हुए हैं ये। तो अब मैया ने देखा कि बच्चे नहीं मानते, तो मैया का हृदय जो है ये स्नेह प्लुत है, भरा हुआ है स्नेह से लबालक। तो ये मैया गोकुल के सभी बालकों को बेटे ही मानती है, और खास इसलिए कि कन्हैया के साथ खेलने वाले, कन्हैया को जो सुख दे वही बेटा, मैया के लिए यही बात, जो कन्हैया को सुख दे वही मैया का बेटा, कन्हैया से बढ़कर, क्योंकि कन्हैया को सुख देने वाला है, कन्हैया के सुख की सामग्री जो कुछ भी वो मैया को कन्हैया से बढ़कर प्यारी। तो ये सब बच्चे भी मानते मैया को, बहुत मानते। जब बच्चे नहीं माने तो मैया ने कहा तो करे मधुमंगल सुगुल सुदाम, सुनो मेरी बात, तुम्हें मेरी सोगन है, खेलना बंद करो। अरे मैया सोगन कढ़ा रही है, आपस में बच्चे देख रहे, अरे मैया ने क्या सुना तो तुमने, मैया ने कहा कि मत खेलो। जो बोले मैया ये देखा, बोले अपने अपने घर जा। अब तो मैया की आज्ञा वो टाल नहीं सकते, बच्चे बड़ी श्रद्धा करते मैया पर, आदेश पालन करते। तो ब्रज के बालकों से जब मैया ने कहा घर चले जाओ, तो मैया ने कहा कि नहीं आप तुम खेलो अकेले, हमको तो मैया ने कह दिया घर जाने का, घर जाने के लिए तो हम तो जा रहे हैं। तो बस खेल छोड़ दिया, बच्चों ने खेल छोड़ दिया, घर जाने लगे। तो यशोदा बोली अरे अरे कन्हैया देख तेरा सारा बदन भर गया धूल से, धूल दूसरे तांग धूल से भर गया तेरा सारा शरीर, अब तो तू आ जल्दी नहा ले, देख बहुत देर होगी और ये सब बच्चे जा रहे हैं। बच्चों ने कहा हम तो जाते हैं भैया, तू नहीं जाता तो न सही, तेरी माँ आ गई तू क्यों जाएगा, हम तो जाते हैं। बच्चे जाने लगे, अब मैया कुछ पास आ गई, मैया ने कहा देख बेटा आज तेरा जन्म नक्षत्र है और घर में आज बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आए हैं, और तू जल्दी चल के नहा ले, नहा धोकर ठीक हो जा तो अपने हाथ से तू गोदान कर, बड़ा पुण्य होगा, और तू तो देख ब्राह्मण से बड़ा प्यार किया करता है ना, जब जब ब्राह्मण आते हैं तू उनके चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़ लेता नमस्कार करता है, और ब्राह्मण तेरे सिर पर हाथ फेरते हैं, और जब तू ब्राह्मणों को दान देता है तब तुझे बड़ा सुख मिला करता है बेटा, तो जल्दी चल अब देर का काम नहीं, देख ब्राह्मण कहीं लौट गए तो आकर के। तो ये दाऊ से बोले कि भैया देख अब तो बच्चे तो सब गए और मेरे मन में आ रही है कि जरा माँ का दूध पी लूं जल्दी से, और ब्राह्मण भी आ गए हैं, तो अब
चलो दाऊ ने कहा ठीक ठीक अब चलना ही चाहिए। तो माँ देखो बहुत देर से पुकार रही है, रोहिणी मैया भी आई थी, हम लोगों ने बात नहीं सुनी। तो फिर मैया बोली कि देख बेटा ये स्नान भोजन करना चाहिए ना, तो जल्दी चल। तो कहते हैं ये बड़ा सुंदर भाव, कहते हैं कि ये मैया का वात्सल्य का व्यवहार कितना चमत्कारमय है। योगिंद्र मुनिंद्र बड़े बड़े सुरमुनि ऋषि तपस्वी महात्मा हजारों हजारों वर्ष तक निरंतर ध्यान योग के द्वारा जिनका आराधन करके हृदय में ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान में मूर्ति को लाना चाहते हैं, पर मूर्ति की स्फूर्ति नहीं होती। ध्यान में भी भगवान के चरणारविंद, भगवान का मुखारविंद, बदनारविंद नहीं आते। और यशोदा मैया का कितना सौभाग्य कि उन्हीं सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री कृष्ण और उनकी अभूत वो अभिन्न मूर्ति दाऊ के हाथ पकड़ के उन्हें ले जाने लगी। हाथ पकड़ लिया, ध्यानवान की बात नहीं। अब ये दोनों चढ़ गए मैया के गोद पर, एक कांधे पर और एक पर वो चढ़ा लिया मैया ने। मैया पुत्र ही जानती है, मैया ये नहीं जानती कि सर्व पूज्य ये सर्वांतरयामी सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान है, ये नहीं। मैया ने अपनी मुट्ठी में मुट्ठी से पकड़ लिया हाथ और घर ले आई। मैया घर ला करके मैया ने कहा इतने बच्चे तो सब भाग गए थे ना, उस सच सच की जल्दी आ गए, आज तो इनके घर उत्सव है ना। तो मैया बोली देख देख तो सही बेटा, तू तो अब तक दूर से लथपथ हो रहा है, जल्दी स्नान नहीं करता, ये तेरे साथ ही देख देख इनके मायो ने कैसे सजा दिया है, सबके सब बच्चे तुम्हारे साथी जो हैं, ये पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृ मिष्टान स्वलंकृतान, तुम तो स्नातक कथा है वो वीरस्व स्वलंकृता, देख बेटा देख ये तेरे साथ खेलने वाले सबके सब तेरे दोस्त, इन सबको तो इनकी माताओं ने कैसा नहला धुला करके पोंछ कर साफ करके और अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहना करके और भेज दिया, देख के सजे धजे लगते हैं, वो तेरे अभी धूल लगी है, तू जल्दी नहा धोले फिर खा पी कर कपड़े उपड़े खूब पहन कर मैं तुझे सजा दूंगी, गहना पहनाऊंगी खूब, उसके बाद फिर खेलना। तो इत्थम यशोदा तम शेख शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृप हस्ते गृहीत्वा सहराम अच्युतम नीत्वा स्वबाटम कृतवत्थोदयम। हाथ पकड़ के इस प्रकार हो मैया वो चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को पुत्र मानती हुई और ले आई और ले करके बड़े प्रेम से उनको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया और मौज से उनको पास बैठा करके फिर मैया समझाने लगा। इधर क्या हुआ, कन्हैया ने कहा कि देख मैया वो जन्म नक्षत्र तो है सो है, ब्राह्मण तो आए हैं, अब मैंने दूध तो पी लिया पर आज मैं खेला बहुत, सो मैया मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई, तो ये सब अड़ंगा करने लगी, ये बड़े बड़े टोकने चढ़ा दिए हैं और ये सब करती है, ये तो पीछे करना, पहले तू मेरे लिए और भोजन का सामान इकट्ठा कर, मैं तो जल्दी खाऊंगा। प्रसन्न हो गई मैया, प्रसन्न हो गई, सजा तो दिया ही था। अब राम श्याम दोनों को नंद बाबा आ गए थे, नंद बाबा के पास ले जाके बैठा, नंद बाबा ने दोनों को गोद में बैठा लिया, दोनों गोद में बैठा लिया और देखने लगे उनके स्मित समन्वित मुखारविंद को, और उनके दर्शन से ही उनको देखने से ही नंद बाबा का चित्त अत्यंत प्रमोद में भर गया। उपसन्नयोश्चित्तयो प्रमुदित मना मनाक् स्मित पूर्वम अवेक्ष वदनम निज मंक मारोपया मास ब्रजराग आनंद वृंदावन चंपू में है कि गोद में बैठा करके और उनका मुख देख देख करके प्रमुदित होने लगे। अब वो मैया ने कहा तू कहता था ना कि खाएगा ही तो भोजन रखा सामने, खाता तो है नहीं, अब ये तो बाबा की गोद में आके भूल गए खाना, बाबा की गोद मैया की गोद, तो बहुत चीजें ला करके रखी मैया ने, तो अब ये भोजन करने लगे, कुछ कराने लगे, कभी माँ मुंह मुझे कभी अपने आप बोले हाथ तू हटा मैं अपने आप खाऊंगा। तो सूरदास जी ने ये देखा, ये भोजन करते देखा नंद बाबा के गोद में, तो जेमत श्याम नंद की कनिया कछुक खात कछु धरनी गिरावत
छब निरखत नंदरनिया बरी बरा बेसन बहुभातन व्यंजन विविध अगनिया गारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया मिश्री दधि माखन मिश्रित करी मुख नावत छबि धनिया आपन खात नंद मुख नावत सो छबि कहत न बनिया जोर से नंद जशोदा बिलसत सो नहीं तिहू भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लीनू मांगत सूर जुठनिया। ये भगवान खाने लगे, कुछ खाते हैं, कुछ हाथ से गिर जाता है, कुछ नीचे फेंक देते हैं, और नंद रानी इस छवि को देख देख करके और हर्षित हो रही। बड़ी बड़े बेसन की चीजें, बहुत भांति के साग तरकारी मिठाई रायता उठाते हैं, खाते हैं, अपने हाथ से फिर खाने लगते हैं। दही बड़ा अच्छा लगता है, मिश्री दही माखन ये कभी मिला लेते हैं, दही में भी मक्खन मिला लेते हैं। ये तो है नहीं किसके साथ क्या मिलाना चाहिए, जो मन में है मिला लिया। बोले बाबा तू भी खाए हो, एक गिलास दिया, एक गिलास बाबा के मुंह में दे दिया। बोले बाबा तू भी खा ले, देख बड़ा स्वाद है ये, बड़ा अच्छा है बाबा तू भी खा ले। तो आपन खात नंद मुखन आवत सो छवि कहत न बनिया, स्वयं खाते है नंद के मुंह में भी दे देते हैं। वो कहते हैं वो छवि कुछ वर्णन करने में नहीं आती। सूरदास जी ने कहा कि क्या बताऊं, जो रस नंद जशोदा बिलसत सो नहीं तिहू भुवनिया। नंद जशोदा को जिस रस का अनुभव हो रहा है, जिस रस का विलास इन्हें मिल रहा है, जिसको ये बिलस रहे हैं, त्रैलोक में वो रस कहीं नहीं है। कहां मिलेगा? त्रिभुवनपति सर्वेश्वर भगवान स्वयं इस प्रकार भूखे बनकर गोद में बैठ करके खाएं खिलावें, ये रस कहाँ है? खाने लग बुखा पीकर नंद बाबा ने कहा बेटा हाथ धो ले। कौन धोवे? तो नंद बाबा ने स्वयं अपने हाथ धोए, उनका मुंह धोया, हाथ में देख कुल्ला उल्ला कराया, ऐसे नंद बाबा पे ही कर दिया। सूरदास जी ने कहा कि हमको जरा जूठन मिल जाए, मांगे तो सूर जूठनिया। तो इस प्रकार से नित्य निरंतर वहाँ नए नए खेल हो रहे हैं, और एक दिन नहीं बड़ी सुंदर सुंदर चीजें रोज होती हैं। ये जहाँ कलेवा पूरा हुआ कि फिर भागे, अब तक तो अंदर बंद रहे ना, मैया ने कह दिया था कि आंगन से बाहर जाना मत, अब खुली छूट हो गई। तो छूट होने के बाद तो बस सीधे जमुना के तट पर पहुंचते हैं। किसी किसी दिन तो मैया को मिलते ही नहीं, कहीं छिप जाते हैं जाकर के किसी कहीं जगह पर, तो मैया ढूंढने लगती है, प्रलाप करने लगती है, और मैया रोने लगती है। मैया का जो प्रेमोन्माद होता है वो फिर उनके कानों में जा पहुंचता है। दूर होते हैं वो तो अंतर्यामी हैं, पर यहाँ अंतर्यामी पना नहीं। मैया जब प्रेम से पागल हो करके और जब प्रलाप करने लगती हैं, तो ये दौड़े हुए आते हैं फिर सुन करके, और मैया के गले लग जाते हैं। सूरदास जी ने एक बार देखा ये गए कहीं, मैया खोज आई, मिले नहीं, मिले नहीं, तो अब ये पगली हो, पगली सी हो गई। अभी आवे, अभी आवे, रास्ते बार बार बाहर जाए, देख करके आ, फिर नहीं आए। अरे कोई कुछ जाओ ना, पता लगाओ कोई कन्हैया कहाँ। को माई बोल ले हो गोपा नहीं, मैं अपने को पंथ निहारती, खेलत बेर भई नंदला नहीं, तीरत बड़ी बार भई मुखो नहीं, पावत घन श्याम तमा नहीं, सिद्ध जेमत सिरात नंद बैठे, लावह बोल कान तत्काल ही, भोजन करे नंद संग मिलके, भूख लगी हुई है मेरे बाल ही, सूर श्याम मग जोवत जननी, आए गए सुनी बचन रसा रही। मैया पगली सी हो गई, मैया बार बार रास्ता देखे, कहती मैया कि मुझे कितनी देर रास्ता देखते हो गई, लाला आया नहीं, खेलने में कहाँ रह गया, और मैं पुकार पुकार कर हार गई, कहीं मिलता नहीं वो घन श्याम तमाल, और ये भोजन ठंडा हो रहा है, बाबा बैठे हैं, अरे कोई जाओ ना कहीं से उसको ढूंढ ढांढ के लाओ, आवे बाबा के साथ खाए। और बच्चे को बड़ी भूख लगी होगी, मेरे बेटे को बड़ी भूख लगी होगी, उसको तो भूख का ज्ञान है नहीं, वो तो जब खेल में रम जाता है कहाँ चला गया,
इस प्रकार जब रास्ता देख रही मैया प्रलाप कर रही तो इनके कान में पड़ गई आवाज, मैया की आवाज वात्सल्य हृदय। तो ये सुनते ही मैया के ये मीठे वचन दस भय और ये दौड़े आके गले लग गए। तो ये झांकी रोज राम श्याम की भोजन की झांकी। अब यहाँ तो सारी झांकी झांकी है, खेलने की झांकी तो सोने की झांकी तो उठने की झांकी तो भोजन की झांकी, इस सारी झांकी झांकी। यहाँ तो आठों पहर ही आनंद का निरंतर ये प्रवाह चलता है रोज रोज। अब दोपहर को आवे तो फिर वही चीज। तो ये गोपियां भी इसका आनंद लेती हैं। गोपियों ने आनंद लेने इसलिए उनका स्वीकार हो गया कि पहले तो मैया ने डांटा, ये गोपियां आती हैं कि नजर वजर लगा देंगी तो ठीक नहीं, तो डांटा तो बिचारी जाने लगी वापिस। तो जब ये आती तब तो ये हंसते गोपाल, वो देखती इनकी और ये देखते उनकी ओर, तो हंसी आ जाती और वो चिड़िया की तब रोने लगती, उदास हो जाती। तब मैया ने सोचा कि इनका रहना ही ठीक। तब मैया ने कहा एक दिन कि भाई तुम लोग आ जाया करो, कोई बात नहीं, देखो जरा नजर जो मत लगा देना लाला को, पर आ जाया करो, आगे खड़ी रहा करो, कोई बात नहीं, दूर से देखा करो लाला को, और फिर तुम लोगों को भी जिमा दिया करेंगे, ये जब जिम देंगे बाबा और लाला तब तुम लोगों को भी हम लोग साथ बैठ के खाएंगे। तब दोनों चीज श्याम सुंदर का दर्शन मिले और उनकी लीला की झांकी देखने को मिले, भोजन करने के समय का आनंद मिले और फिर खुद प्रसाद मिल जाए तो क्या चाहिए और। तो आने लगी तो कहते हैं बड़े सुंदर, धूसर धूर अंग लपटाने आन नंद कही दीन है, धारत धूर समारत अलके बदन चूम तह लीन है, उठी उठी चलत न बैठत लालन, पितु पोछे पुचकारे खटरस मिरस लगत तिनको, सब खेल ही है में धारे, शिशु खेलन को सोर सुनत प्रभु नजर बर की उठी धामे, ते नंद प्रीति के बांधे लगे द्वार लवामे, मिलत जाय बालक वृंदन में जुगल बंधुत प्यारे, नर नारिन के लगे रहत मन छिन्नबर होत न्यारे, जो पर ब्रह्म अलख अविनाशी घट घट व्यापक जो है, निज माया कई सभी रमावत वाह रमावत को है, खेल खाते खाते भाग जाए, बच्चों को देखने भाग जाए, ग्रास हाथ में रहे, नंद बाबा पीछे दौड़े, अरे लाला जरा खा तो ले, जरा खा ले लाला, अब लाला कौन खा ले, फिर इनको लावे, फिर लाके फिर बैठावे दोनों भाइयों को। इस प्रकार से नया नया आनंद, नई नई चीज रोज रोज हूँ। तो एक दिन की लीला बड़ी सुंदर, मैया ने दोपहरी का भोजन करने के बाद समझा बुझा करके फुसला करके किसी प्रकार श्याम सुंदर को जरा रख लिया और बोली आंख मिचौनी का खेल खेलना है तो हमारे साथ खेलो आंख मिचौनी का खेल। तो अब खेल के मिस रह गए तो मैया ने घर का काम छोड़ करके और कन्हैया की आंखें मूंदने लगी, बोली बोल ले हलधर भैया आंखों, मेरे आगे खेल करो कछु सुख दीजे मैया को, मैं मूंदू है आंख तुम्हारी बालक रहे लुकाई, हरक श्याम सब सखा बुलाए खेलन आंख मुदाई, हलधर कयो आंख को मूंदे हरि कयो माद सोदा, सूर श्याम लय जननी खिलावत हरक सहित मन मोदा, हरि तब अपनी आंख मुदाई सखा सहित बलराम छपाने जह तह गए भगाई, कान लाग के जननी जसोदा वाघन में बलराम, बलदारू को आवन दही श्रीदामा सो काम, दौड़ दौड़ बालक सब आवत छुत महरी को गात, सब आए रह सुबल सुदामा हारे अब के तात, सूर पारी हरि सुबल ही धाये गयो श्रीदामा जाए, दे दे सोहे नंद बाबा की जननी पहले आए, हंसी हंसी तारी दित सका सब भई श्रीदामा चोर, सूरदास हंस के जसोदा जीते हुए सुतमोर। इस प्रकार नित्य प्रति का खेल हो और खेल में मत, बजेश्वरी को नए नए खेल दिखा दिखा करके दाऊ जी और ये कन्हैया नित्य आनंद मुग्ध करते रहे। मैया सबका निर्णय ले दे कौन जीता, बोले मैया तू बता कौन जीता। अब कन्हैया को तो मालूम है कि मैया तो मेरी कहेगी, हार जाऊंगा तो भी कहेगी यही जीता। तो यूं नए नए खेल हूँ,
इस प्रकार खेलते रहे एक दो खेलते खेलते और आंगन में सो गए। इधर ये सोए और उधर नंद बाबा वगैरह तो बड़े, उनके सामने एक समस्या आ गई थी, उसकी आज मीटिंग होगी, उनकी सभा होगी, जरा इनके सोने का आनंद ले लें और फिर उनकी मीटिंग में हम लोग चले। आंगन में हरि सोय गए ये मुख
दुख निरखत असुर दा आसु प्रभु को मुख निरखत हर खत जीव नित ने ये हर खत नित ये हर खत जिया नित ने ये आंगन में हरि ये सोय गए आंगन में हरि वृद्धा महूत पातान अनुभूय बृहद बने नंदादश समागम्य ब्रजकायम मंत्रयन तत्वोपनंद नामाह गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञः प्रियकृद रामकृष्णयोः उत्थात व्यमितोऽस्माघर गोकुलस्य हितैषिभिः आयाम तत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः मुक्त कथंचित राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ हरिरनुग्रहान्नोन मनश्चोपरिनापतत् चक्रवातेन नीतोऽयम् दैत्येन विपदम् वियत् शिलायाम् पतितस्तत्र परित्रातस्वेश्वरैः यन्नम् म्रियेत द्रुमयोरन्तरम् प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतलक्षणम् यावदौत्पातिको रिष्टो ब्रजम् नाभिभवेदितः तावद् बालानुपादाय यास्यामो न्यत्र सामुगाः वनम् वृन्दावनम् नाम पशव्यम् नवकाननम् गोप गोपी गवाम् सेव्यम् पुण्यादृतृणवीरुधम् तत्तत्राद्येव यास्यामः शकटान् युक्तमाचरम् गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतामिति रोचते तच्छ्रुत्वैक धियो गोपा साधु साध्वितिवादिनः ब्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढ परिच्छदाः वृद्धान् बालान् स्त्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारूप्य गोपाला यत्ता आत्मशरासनाः भगवान् सच्चिदानन्द घन रसस्वरूप रस विग्रह ये कभी बढ़ते घटते नहीं है वास्तव में ये नित्य समरस हैं एक रस हैं इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता पर इनके प्रेम साम्राज्य में नित्य नव परिवर्तन होता रहता है इनके सौंदर्य माधुर्य में लीला में तो अखिल रसामृत मूर्ति भगवान स्वयं ये ब्रज में गोपों के साथ गायों के साथ गोपियों के साथ इन्होंने तीन भावों को लेकर लीला की तीन रस यहाँ पर विशेष रूप से प्रस्फुटित हुए वात्सल्य सख्य और मधुर और ये तीन रसों में ये सुमसा स्वादन करते रहे और करवाते रहे इनका ये जो गोकुल और वृंदावन में निवास ये केवल इस रस के आस्वादन के करने कराने के लिए ही हुआ बीच बीच में विघ्न रूप जब कभी असुर आते तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होकर माधुर्य की के रस प्रवाह के विघ्न को मिटा देती ये स्वयं तो उस समय भी माधुर्य में ही रहते पर वो माधुर्य उस समय भी ब्रज के लोगों पर छाया रहता उन्होंने कभी इनको सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं समझा रासलीला में भी ये अब इसको मार्जन करने के लिए लोग भगवान पर कोई कलंक न लगे मानो हम मिटा देंगे उनके कलंक को इसलिए वो दूसरी बात कहते हैं पर वहां पर भी उन्होंने गोपियों ने उनको भगवान नहीं समझा था
रसी विलुप्त हो गया होता वो समझती तो। तो यहाँ पर भगवान तीन भाव से तीन रसों के लिए भगवान ने लीला की, वात्सल्य रस, सख्य रस और मधुर रस। तो इन तीनों लीलाओं के लिए सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान में क्षय वृद्धि परिणाम आदि नहीं होते। हम लोगों का जो शरीर है ये छह परिणामों से युक्त है। जन्म होता है, रहता है, बढ़ता है, परिवर्तन होता है, घटता है और नष्ट हो जाता है। हम लोगों के शरीर में ये छह परिणाम अवश्यम भावी हैं। लेकिन भगवान जो नित्य सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, जिनका पांच भौतिक देह नहीं, जो कर्म जनित होता नहीं, ये भगवान के देह में और हमारे देह में ये अंतर समझ लेना चाहिए। या योगिक है, जैसे सिद्ध देहादि होते हैं योगी लोग, देह निर्माण, काय निर्माण करते हैं, इस प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ सो भी नहीं, न तो सिद्ध जनित है, न वो माइक है, न वो नाट्य है, न वो दंभ है, और पांच भौतिक तो है ही नहीं। तो भगवान का जो ये सच्चिदानंद घन विग्रह है, ये विग्रह सच्चिदानंद घन तत्व से ही नित्य प्रकट है, निर्मित नहीं कहा जा सकता इसको, बना हुआ नहीं, कभी बना हो और बिगड़ता हो सो नहीं। जो वस्तु सत्य है वो नित्य है। तो भगवान का जो सच्चिदानंद घन विग्रह है ये भगवत स्वरूप है। तो भगवान में ये विकार नहीं होते, लीलानुसार भगवान में प्राकट्य होता है, अवस्थाओं का भी, रसों का भी, लीलाओं का भी। तो भगवान में तीन प्रकाश होते हैं मुख्यतया अवस्था के, बाल्य लीला, पौगंड और कैशोर। ये लोग वो माइक जगत हमारे सामने है ना, तो हमारे पास प्रश्न आया करते हैं बहुत से कि आप लोग चित्रों में भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं बनाते, तो क्या भगवान में ये चीज नहीं थी, दाढ़ी मूछ उनके आई ही नहीं। वो उल्टा समझ लेते हैं कि उनके केश उगने की शक्ति नहीं थी, तो उनको समझाया कैसे जाए। वो जो नित्य नव किशोर हैं उनमें दाढ़ी मूछ कहाँ से आ जाए, वो तो 10,000 वर्ष के रामचंद्र हो गए पर दाढ़ी मूछ तो नहीं आई, रहे वो 15 वर्ष के बालक ही देखने। तो इनकी तीन लीलाएं बाल्य, पौगंड, तो वात्सल्य सास्वादन के लिए ये बाल्य लीला है, और सख्य सास्वादन के लिए पौगंड लीला, और मधुर सास्वादन के लिए किशोर लीला। ये तीन यहाँ के लीलाओं के भेद से, रस भेद से, अवस्था भेद है। छोटे से बच्चे उत्पन्न हुए, मैया की गोद में पले, मैया ने दूध पिला पिला करके पाला, बड़े हुए तो बच्चों के साथ खेले, और उससे कुछ और बड़े किशोरावस्था को जब प्राप्त हुए तब इनकी मधुर रास लीला आदि क्रीड़ाएं हुई। तो ये नंद यशोदा के पुत्र रूप में गोकुल में ये प्रकट हुए, और ये दिनों दिन बढ़ने लगे। ये जो वृद्धि इनकी है, ये वृद्धि रस वृद्धि की दृष्टि से वृद्धि है। ये वृद्धि कोई शरीर में अवस्थांतर होता हो सो बात नहीं है, शरीर में तो वो नित्य सत्य जैसे हैं वैसे ही मैया बांध नहीं सकी, कमल उतनी रही बांध नहीं सकी, तो स्वरूपतः वो अपनी महिमा में जैसे हैं वैसे ही हैं। पर ये लीला रस की सिद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, साफल्य के लिए, ये नित्य नव नव लीला प्रकाश के अनुसार अवस्था का विकास होता है। तो ये गोकुल में इन्होंने अवतार लिया, प्रकट हुए, और दिनों दिन ये बढ़ते हुए नई नई नित्य नई नई लीला का प्रकाश करने लगे, और माताओं को, ये नंद बाबा को और नंद रानी की समान वयस का, उनकी उम्र वाली बड़ी बूढ़ी गोपियों को, तरुणी गोपियों को, छोटे बड़े बराबर के, तीन प्रकार के सखा थे, कुछ दाऊ जी की श्रेणी के, कुछ इनकी उम्र के, कुछ छोटे, तो बड़े सखा, समान सम सखा और छोटे सखा, इन बालकों को और
श्री गोपांगनाओं को सुख देने के लिए ये सब लीला इन्होंने की। तो ये बाल लीला का प्रकाश तो हुआ गोकुल में, गोकुल का नाम ही बृहद वन है, तो यही इनके उपयुक्त स्थान था। लंबा छोड़ा मैदान नहीं जहां बहुत भागने दौड़ने के लिए हो, लेकिन पौगंड लीला के लिए और कैशोर लीला के लिए ये स्थान उपयुक्त है। वहां तो बड़ा विस्तृत मैदान चाहिए जहां खेलने कूदने को, नाचने को और उधम करने को, जहां बड़ा अवकाश हो। गोकुल छोटा सा स्थान, संकीर्ण जनाकीर्ण, और वहां वृंदावन की तरह से यमुना तटादि नहीं, गोवर्धनादि पर्वत भी नहीं, लता कुंजादि की शोभा भी नहीं, तो वहां अनंत लीलामय का सख्य रस और माधुर्य रस प्रकट नहीं होता। तो लीला शक्ति नहीं, नंद बाबा आदि गोपों के हृदयों में एक नवीन समस्या पैदा कर दी। लीला शक्ति नहीं, अब भगवान को तो यहां नहीं रहना है ना, अब लीला विकास हो रहा है तो इनको अब बड़े स्थान में जा करके जहां वहां उस लीला के उपयुक्त साधन सामग्री मौजूद हों, जहां उस लीला को वृद्धि करने वाले सब साधन हों, उस प्रकार की सामग्री जहां हो वहां इन्हें जाना है। इसलिए इनकी लीला शक्ति ने ये नंदादि गोपों के हृदयों में एक नवीन प्रेरणा जागृत की। तो ये सब इकट्ठे हुए और ये यमलार्जुन भंग तक की लीला है ना, ये तो गोकुल में हुई है और इसके बाद की लीला सब के सब वृंदावन में हुई, ऐसा ही माना जाता है। तो जब से ये पूतना आई उसी दिन से बड़े चिंता तुर थे सब के सब कि भाई उत्पात होने लगा। वसुदेव जी ने कहा था उत्पात होगा, तो उत्पात होने लगा। और जब ये वृक्ष टूटे उसके बाद तो ये और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए कि न मालूम क्या होगा। तो इन लोगों ने बोले भाई एक सभा बुलाओ। तो नंद बाबा ने उपनंद जी से परामर्श करके सब गोपों को इकट्ठा किया, जो खास खास लोग थे ब्रजवासी, खास खास लोग, ये सब गोपराज नंद के दरबार में सब इकट्ठे हुए। अब ब्रजराज जी का असल में तो राज्य का तो नाम श्याम सुंदर का ही, हिताहित सोचने के लिए बैठे। बड़ी आश्चर्य की बात है, मंगलमय का मंगल सोच रहे हैं, जिनका नाम लेने से अशेष अमंगल दूर हो जाते हैं, अमंगल का कहीं किसी प्रकार से कल्पना शेष नहीं रहता, उन भगवान का कहीं अमंगल न हो जाए, ये वात्सल्य। ये नहीं सोच पाते कि ये तो भगवान है, ये तो हमारी रक्षा करने वाले की बात सोचते हैं वो नारायण की। अभी सोचेंगे, अभी ये बातचीत में ही इनके प्रकट होगा, नारायण पर बड़ी भक्ति, नारायण पर बड़ी श्रद्धा, और नारायण ही रक्षा करते हैं, बचाते हैं, देख रेख करते हैं, ये इनके मन में दृढ़तर विश्वास, कहीं कमी नहीं। पर कन्हैया नारायण थोड़ी है, ये तो बच्चा है ना, तो इस बच्चे की रक्षा हो, ये कहीं अमंगल में ना आ जाए, अब तक तो नारायण ने बचाया। तो ये मंगलमय का मंगल सोचने के लिए, कल्याणमय का कल्याण सोचने के लिए इकट्ठे हुए, ये बड़े आश्चर्य की बात, यही वात्सल्य। तो नंद जी के बड़े भाई रहे उपनंद, उन्होंने राज्य लिया नहीं था, राज पर तो बैठा दिया था नंद बाबा को। तो नंद ने कहा हम तो कुछ जानते नहीं, नंद जी बड़े भोले भाले रहे, सीधे ये एडमिनिस्ट्रेशन राजकाज नहीं जानते, शासन वासन करना नहीं जानते। तो उपनंद ने कह दिया था कि भैया तुम तो खाली राज पर बैठ जाओ, राजा कहलाओ और अपनी गाय वायों को संभालते रहना, घर संभाल लेना। उन्होंने कहा हमसे घर पर नहीं संभलेगा। तो घर कहाँ संभले, जब श्याम सुंदर को संभालने में ही लग जाए तो घर पर कौन संभाले, कैसे संभाले, घर तो उजड़ जाता है वहीं पर। तो उपनंद ने कहा कि हम सब संभाल लेंगे। बोले संभाल लो कैसे, कोई पद ले लो। बोले अब अच्छा हम मंत्री रहे, दीवान बनेंगे। उपनंद जी ये बड़े भी थे, उम्र में भी बड़े, और इनके लिए कहा कि ये बड़े ज्ञानी रहे, बड़े समझदार रहे,
ये सबसे ये बड़े गोपो ज्ञान वयोधिका देश काला तत्वज्ञ देश काल को जानने वाले कब क्या हो रहा है कहाँ होगा क्या होगा बड़े दूरदर्शी रहे सद्विचारक रहे परम ज्ञानी और बड़ा प्यार करते थे रामकृष्ण से भी। भाई ज्ञानी तो हो पर उसको सोचने विचारने की ताकत तो हो पर इनके लिए उपेक्षा मन हो तो क्यों सोचेंगे और दूसरी बात सोचेंगे। तो बड़े भारी ज्ञानी भी रहे सद्विचारक भी रहे विवेकवान भी रहे दूरदर्शी भी वयोवृद्ध भी सब पर इनकी धाक भी सब इनकी बात माने। नंद की बात तो लोग माने न माने बाबा है ना बाबा का क्या राजी कर लेंगे बाबा को तो राजी कर ले बात बात में हंसा करके पर उपनंद जी जरा शासक तो इनकी बात सब माने और लोगों में ये धाक बनी हुई कि ये जो कुछ कहेंगे समझदारी की बात है ऐसे इनकी इच्छा थी। तो सब विचार करने को बैठे तो उपनंद जी सभापति बने वृद्ध को पढ़े उपनंद ये सभापति बने तो कहा महाराज आप सुनाइए। नंद जी ने कहा उपनंद जी से आज क्यों इकट्ठे हुए हैं क्या करना है ये आप कहिए क्या किया जाए। तो उपनंद जी ने सबसे कहना शुरू किया कि देखो भाई आज क्यों इकट्ठे हुए हैं क्या सोचना है ये मैं तुम लोगों से बताता हूँ ध्यान देकर सुनना। मैं बूढ़ा हूँ ना तो मैंने बहुत सोच विचार किया है तो मेरी बात पर ध्यान देना। अब वो इतिहास बता अपनी वो उठाने का प्रस्ताव क्यों करते हैं ये बात उसका कारण बताने लगे। बोले भाई देखो आप लोग यदि वास्तव में